तो फाइनली गेम ऑफ थ्रोन्स फैमिली गॉड मोड रोमन आ चुका है। भाई इतनी तारीफ सुनी थी इसकी, देखते हैं कि सुपर सीना ब्लू केन और अपने नए नए दुश्मन यानी कि अपने कजन जे उसू से ये जीत पाता है कि नहीं। तो भाई पब्लिक डिमांड में नहीं नहीं गेम ऑफ थ्रोन्स फैमिली की डिमांड में गॉड मोड रोमन अब आ चुका है। भाई जीतना तो बहुत दूर की बात है, अगर एक बंदे को भी एलिमिनेट कर दिया ना तो मान जाऊंगा मैं कि अच्छा खेल रहा है। तो भाई अगर एक क्या मैं बोलता हूं, अगर दो बंदों को एलिमिनेट कर देगा रोमन रेंस तो इसकी जगह टीम खतरों में बन जाएगी। भाई देखते हैं कि ये गॉड मोड वाला रोमन क्या करता है, पर इससे पहले कि मैच चालू हो तुम लोग लाइक कर सकते हो। तो वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर करो, और सब्सक्राइब किए बिना अगर देख रहे हो तो बहुत गलत बात। तो चलो भाई लोग मैच को चालू करते हो, देखते हैं कि गॉड मोड वाला रोमन जो जिसने अपनी उंगली उठा रखी है वो क्या करता है। तो भाई 1-on-3 टैग टीम मैच है, देखते हैं कौन जीतता है, नॉकआउट भी है उन्हें, देखते हैं क्या कमाल करता है रोमन। तो भाई हैंडीकैप मैच खेलना काफी मुश्किल होता है, देखते हैं कि क्या करता है रोमन रेंस से जॉन सीना 100 वाले सुपर सीना इस पीओ भाई साहब। यार जॉन सीना बचाना था यार, क्या कर रहे हो। 1-2 ये उसको बचा नहीं रहा था यार, ये उसको तो असली ट्राइबल चीफ है, आराम से खेल। जॉन सीना ने अभी तक एक फिनिशर लगा दिया, जॉन सीना ने नहीं, ये डबल इंपैक्ट, एक ही फिनिशर में चला यार रोमन, गलत टाइम पर ही बस किया। नहीं तो एक फिनिशर में डबल झटके मिलते हैं रोमन रेंस को, जॉन सीना वो से रोमन रेंस इस हेलमेट हेलमेट, जॉन सीना इतनी जल्दी यानी कि सुपर सीना एलिमिनेट कैसे कर दिया। सबसे ज्यादा ओवरऑल का सुपरस्टार इस मैच में जॉन सीना था, वो इतनी जल्दी एलिमिनेट हो गया भाई साहब। भाई अभी तो वीडियो चालू हुई थी, आजकल के सुपरस्टार्स को क्या आदत हो गई है गेम ऑफ थ्रोन्स की वीडियो छोटी करने की, यार तुम लोग अजीब हो। मतलब कोई बात नहीं, जॉन सीना के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा खतरनाक है ना यहाँ पर तो ब्लू केन काफी खतरनाक है। रोमन रेंस ने अपना गॉड मोड एक्टिवेट करते करते एक को एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन देखते हैं दूसरे की तरफ जाते हैं, चलो देखते हैं। भाई एक दो बाहर मारने से डैमेज होगा, पर केन आपके पास फिनिशर है, रोमन ने अपने दो दो फिनिशर यूज किया है, और बेचारा जॉन सीना तो खैर सुपर सीना ना गेम वाले लोग बेकार बना है, मैं बता रहा हूँ, उससे अच्छा हम लोगों का मॉड है नेवर गिव अप सीना। तो भाई रोमन रेंस के पास एक फिनिशर भी नहीं है, और आ चुके हैं रोमन रेंस के पुराने दुश्मन जे उसो। भाई द रियल ट्राइबल चीफ में कहना चाहूंगा, द रियल वन, द रियल ट्राइबल चीफ जो अभी फिलहाल WWE में है नहीं पर आ जाएंगे जल्दी। रोमन रेंस ने सुप्लेक्स दे दिया है, अब कभी भी रोमन रेंस के पास फिनिशर आ सकता है, आ गया है फिनिशर, लगता है जे उसो यहां भी हारेंगे। जे उसो भाई तेरे पास तो दो-दो फिनिशर है, तेरे पास दो-दो फिनिशर है भाई, ऐसे मत हार। तो भाई देखते हैं कि जे उसो कितना कमाल दिखा पाते हैं। रोमन रेंस के बाद फिनिशर और सिग्नेचर भी आने वाला है। Now it's time for Spear. जे उसो स्पीयर लगाएगा, नहीं स्पीयर नहीं लगा पाया, बिल्कुल सही। और जे उसो भाई ये कैसा मारा तूने, रोमन गिरा भी नहीं। रोमन रेंस के बाद बस सिग्नेचर आने वाला है, आई थिंक आ गया सिग्नेचर, बस आ गया। अब लगता है अरे नहीं यार टेक डाउन पंच नहीं मारना चाहिए था, फिनिशर और सिग्नेचर के लिए जाओ। भाई सिग्नेचर तो आया नहीं, पर अभी एक मूव के बाद आ जाएगा सिग्नेचर, फिनिशर ग्लिटिन टाइम। जे उसो टाइम मिल गया, जे उसो मेरे भाई तेरे को टाइम मिल गया, आराम से फिनिशर लगा। ग्लिटिन दे रहा है यार, नहीं नहीं ये फिनिशर के लिए जा सकता है, रोमन एक बच चुका है, मूव यूज कर लिया, बिल्कुल सही। रोमन ऐसे ही अपना मोमेंटम यूज करते रहे, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मोमेंटम यूज कर ले। एक पांच और जे उसो लेट चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। जे उसो याद कर समर स्लैम को, समर स्लैम को याद कर। स्पीयर नहीं दे रहा, सुप्लेक्स पर चुका है जे उसो, उसकी एनर्जी भी खत्म हो रही है। रोमन रेंस के पास सिग्नेचर है नहीं, बिना फिनिशर यूज किए जे उसो का गिलिटिन लगा। ओ भाई साहब गिलिटिन लग चुका है जे उसो का, हेलमेट हो सकता है बंदा यहाँ पर नहीं हुआ यार, बच गया जे उसो मेरे भाई, द रियल ट्राइबल चीफ ब्लू केन कितना धीरे धीरे आखिर के बचाया है भाई साहब। भाई ब्लू केन अगर जिस टीम में रहेगा उस टीम में तो क्या ही कहना है भाई, भाई उस टीम का नुकसान हो जाएगा, ये बेचारा कितना स्लो आकर के बचा है। रोमन रेंस ने ओ भाई सब दूसरा ग्लिटिन एलिमिनेट, अब तो एलिमिनेट होना बनता है, ये मॉडिफाइड ग्लिटिन है एलिमिनेट, दो एलिमिनेशन हो चुका है यहाँ पर भाई, दो एलिमिनेशन हो गया। और ब्लू केन के पास भाई फिनिशर यूज करो, रोमन की हेल्थ इतनी ज्यादा कैसे है दो एलिमिनेशन के बाद, और रोमन रेंस के बाद एक सिग्नेचर भी है भाई, सब कुछ भी हो सकता है। ब्लू केन वर्सेस गॉड मोड रोमन रेंस, जल्दी कमेंट करके बताओ। दो एलिमिनेशन कर दिया 3-on-1 में, सुपरमैन पंच और कसम ब्लू केन बच के, अगर फिनिशर खाए तो चले जाओगे, किक आउट केन ने किक आउट कर, अगर फिनिशर खा गए ब्लू केन तो आराम से चले जाओगे, फिनिशर मत खाना कुछ भी करके। जॉन सीना और जे उसो दोनों को एलिमिनेट कर दिया है, सिर्फ एक एलिमिनेशन और इस बचा लिया ब्लू केन, ब्लू केन तू ही कर सकता है कान, अरे मां कसम लगा दिया टू स्टोन, नहीं अभी बहुत हेल्थ है यार बहुत हेल्थ है, अरे ये क्या हो गया यार, पहला फिनिशर पर आ था मैच का भाई साहब, पर
ये वाला मॉडर्न रोमन एक्स यानी कि गॉड मोड रोमन सही में गॉड मोड जैसा खेला, 100 सुपर ओवरऑल वाले सुपर सीना और जियोसो को लेके चला गया। और यार केन ये क्या हुआ, पहला फिनिशर, मैच का पहला फिनिशर मिला था जो रोमन एक्स को, कैसे एलिमिनेट हो गया। तो चलो भाई ये रही हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टाटा एंड डोंट ट्राई दिस एट योर होम। चलो टाटा गुड बाय।